एक ऐसी रहस्यमयी झील जिससे निकलती है ऐसी आग की लपटे, पर क्यों? और एक ऐसा आदमी जिसके 32 नहीं बल्कि 82 दांत है, पर कैसे? और एक ऐसा अजीब टॉयलेट जो बना हुआ है 8500 फीट ऊंची एक पहाड़ी के कोने पर, और एक ऐसा पक्षी जिसके उड़ने की रफ्तार के आगे फीकी है चीन की बुलेट ट्रेन, और महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट पर बाकी खिलाड़ियों की तरह तिरंगा क्यों नहीं है? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20, कांगो के बॉर्डर पर स्थित कीवू नाम की झील दुनिया की सबसे खतरनाक झीलों में से एक है। ये इतनी खतरनाक है कि इस झील के पानी से धधकती हुई आग की लपटें भी उठती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेक कीवू के आसपास बहुत सारे वोल्केनो यानी ज्वालामुखी मौजूद हैं, और यहाँ ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण बैक्टीरिया इसे मीथेन में बदल देते हैं जो कि बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है। नंबर 19, दोस्तों क्या आपको पता है कि MS धोनी इकलौते ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके हेलमेट पर तिरंगा नहीं है? अगर आप इंडिया के किसी भी खिलाड़ी के हेलमेट को देखोगे तो आपको ऐसा तिरंगा ऊपर बना हुआ दिखेगा, पर सिर्फ MS धोनी के हेलमेट पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। पर क्यों? आइए आपको इसके पीछे का कारण हम बताते हैं। दरअसल बात यह है कि MS धोनी एक विकेट कीपर है और उन्हें बहुत बार कीपिंग करते हुए अपने हेलमेट को नीचे रखना पड़ता है, और धोनी ऐसा नहीं चाहते कि भारतीय ध्वज को वो जमीन पर रखे, इससे हमारे तिरंगा का अपमान होता है। इस बात के लिए धोनी के लिए एक सैल्यूट तो बनता है बॉस। नंबर 18, जहर एक ऐसी चीज है जिसे खाने से इंसान चंद मिनटों में मौत के मुंह में समा जाता है। इस दुनिया में बहुत से खतरनाक जहर पाए जाते हैं, पर आपके मन में कभी न कभी तो ये सवाल आया होगा कि इस दुनिया का सबसे डेंजरस जहर कौन सा है? तो दोस्तों, इस दुनिया का सबसे खतरनाक जहर बोटॉक्स है, और ये इतना खतरनाक है कि इस जहर की सिर्फ 4 ग्राम मात्रा पूरे संसार की पॉपुलेशन को मारने के लिए काफी है। नंबर 17, क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क ने रिसेंटली कुछ छिपकलियों को अंतरिक्ष में भेजा था? ये देखिए उनके कितने क्यूट स्पेस सूट है। अरे मैं मजाक कर रहा था भाई, ये कोई स्पेस सूट नहीं बल्कि ये तो इन लिजार्ड्स की डेड स्किन है जो ये लिजार्ड साल में एक बार बदलती है। नंबर 16, बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो एक बार अपनी जिंदगी में एयरप्लेन में जरूर बैठे, पर एक ऐसा इंसान भी है जिन्होंने एक एयरप्लेन को ही अपना घर बना लिया है। इनका नाम है ब्रूस कैंपबेल। ब्रूस ने वर्ष 1999 में बोइंग 727 नाम के इस एयरप्लेन को $1,00,000 में खरीदा था, और उसके बाद उन्हें ये प्लेन इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे ही अपना घर बना लिया। उन्होंने इस एयरप्लेन के इंटीरियर को घर के इंटीरियर जैसा चेंज करवा दिया। नंबर 15, आज के जमाने में न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज बन गई है जिसके बिना कई लोगों का दिन शुरू नहीं होता। आमतौर पर आपने न्यूज़पेपर को कागज पर छपते हुए देखा होगा, पर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर न्यूज़पेपर कागज की बजाय कपड़े पर छपता है। जी हां, आपने सही सुना, स्पेन एक ऐसा देश है जहां न्यूज़ आपको पेपर पर नहीं बल्कि कपड़े पर छपी हुई मिलेगी। नंबर 14, बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां हर व्यक्ति रिलैक्स महसूस करता है, पर इस बाथरूम में जाने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। सर्बिया में मौजूद ये टॉयलेट दुनिया का सबसे खतरनाक टॉयलेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे ये जमीन से 8500 फीट ऊपर एक पहाड़ के कोने पर बना हुआ है। सच में इस टॉयलेट में जाने के लिए तो अच्छे अच्छों का पसीना छूटता होगा। नंबर 13, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सामान्य व्यक्ति के कितने दांत होते हैं तो आप कहोगे कि 32, और किसी किसी के 36 भी दांत होते हैं, पर आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि बिहार में नीतीश कुमार नाम का एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसके 82 दांत है। सुनने में ये बात किसी अजूबे से कम नहीं लग रही होगी, और आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर कैसे इनकी ये हालत हुई। तो चलिए सुनिए इनकी हालत का कारण। एक बहुत ही अलग किस्म का ट्यूमर है जो कि बचपन से इनके जबड़े में मौजूद था, और समय के साथ साथ वो बढ़ता चला गया जिससे इनकी ये हालत हो गई। पर अच्छी बात यह है कि डॉक्टर ने सक्सेसफुली इनकी सर्जरी करके सारे फालतू के दांत बाहर निकाल दिए हैं। नंबर 12, दोस्तों आपने कई तरह की मूवीज देखी होंगी जिसमें एक्शन, रोमांस, ड्रामा सब भरपूर होता है, पर कुछ ऐसी मूवीज भी होती है जो हमें चौंका देती है। उन्हीं में से एक है कोरिया में बनी ये फिल्म जिसका नाम है द डेथ बेल। इस मूवी का कॉन्सेप्ट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे स्टूडेंट्स को एग्जाम के दौरान पूछे गए सवालों का गलत जवाब देने पर जान से ही मार दिया जाता है, मतलब हर गलत जवाब की सजा सीधी मौत। नंबर 11, दोस्तों साल 2007 में जेरमी हार्पर नाम के इस शख्स ने 1 से लेकर 1 मिलियन यानी कि 1 से 10 लाख तक अपने अपार्टमेंट में बैठकर नंबर काउंट किए हैं, और इनकी पूरी काउंटिंग को इन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया। इन्होंने पूरी काउंटिंग को एक सिंगल लाइव स्ट्रीम में पूरा किया था, और आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि उन्हें इस काउंटिंग को पूरा करने में 3 महीने लग गए थे। इस काम के चलते इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। नंबर 10, दोस्तों जापान दुनिया भर में अपनी ट्रेन और कमाल की टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, और यहाँ
पर हर एक चीज एकदम टाइम टू टाइम होती है, चाहे वो ट्रेन हो या फ्लाइट हो। पर एक बार जापान में एक ट्रेन 35 सेकंड लेट हो गई। ये सुनकर अब आप बोलोगे कि 35 सेकंड लेट होने से क्या होता है, इंडिया में तो ट्रेन घंटों घंटों लेट हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ सेकंड लेट होने के कारण भी उस ट्रेन के ड्राइवर ने सारे पैसेंजर से माफी मांगी, और यही नहीं सेंट्रल रेलवे जापान ने उस ट्रेन के हर एक पैसेंजर के टिकट का रिफंड भी किया। नंबर 9, रफ्तार की बात जहां भी आती है तो आपके मन में भी सुपर कार्स और बुलेट ट्रेन जैसी चीजों का ही नाम आता होगा। पर इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी पाया जाता है जिसकी रफ्तार के सामने अच्छी अच्छी सुपर कार्स भी फेल है। मिलिए प्रेग्रीन फॉल्कन नाम के इस पक्षी से। ये पक्षी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि आसमान में उड़ते वक्त हम इसे अच्छे से देख भी नहीं पाते, क्योंकि इसे देखने में आपको ऐसा लगेगा कि मानो एक जोरदार हवा का झोंका आपके पास से निकला हो। नंबर 8, आए दिन इस दुनिया में लोग अपने कारनामों से सबको चौंका देते हैं। हाल ही में नेपाल में रहने वाले एक लड़की जिसका नाम है वंदना, उन्होंने एक बहुत ही कमाल का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 126 घंटे लगातार बिना रुके डांस करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस कमाल के कारनामे की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। नंबर 7, पानी एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता, और इसकी वैल्यू क्या है उसे मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पानी कितने साल पुराना है? तो दोस्तों, इसका जवाब तो साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, पर दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुरानी पानी की खोज कनाडा में की गई है, जो कि करीब 2 बिलियन साल पुरानी है। नंबर 6, दोस्तों जब कोई इंसान सुसाइड करता है तो कई दफा वो अपनी मौत का कारण एक सुसाइड नोट में लिखकर चला जाता है। ज्यादातर केसेस में सुसाइड नोट एक या दो पेज का होता है, पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक शख्स ने अपने सुसाइड के पहले 1905 पेज का लंबा सुसाइड नोट भी लिखा। मिशेल हिजमैन नाम के इस व्यक्ति ने साल 2011 से अपना सुसाइड नोट लिखना शुरू किया, और इसे लिखने में उन्हें 5 साल का समय लग गया, और ये नोट लिखने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। इस नोट में उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया कि आखिर उन्होंने क्यों सुसाइड किया। नंबर 5, दोस्तों कोई इंजीनियर किसी बड़ी कंपनी में अगर काम करता है तो उसकी सैलरी एक साल की करीब 40 से 50 लाख तक होती है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि एनबीए बास्केटबॉल कोर्ट में एक आम कोर्ट क्लीनर यानी कि बास्केटबॉल कोर्ट को साफ करने वाले की सैलरी $80,000 सालाना होती है, मतलब कि 60 लाख रुपए सालाना। बास्केटबॉल कोर्ट को साफ करने के लिए और कुछ एक्सपीरियंस वर्कर की सैलरी तो $1,00,000 सालाना तक होती है। वाह, सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने के इतने रुपए, क्या जॉब है भाई। नंबर 4, बिल्कुल अकेले रहना आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप पूरे दिन अकेले रहते हो तो इसका इफेक्ट आपके ब्रेन पर बहुत ज्यादा होता है। हाल ही में साइंटिस्ट की एक टीम ने रिसर्च में ये पता लगाया है कि अकेला रहना एक दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर है। तो दोस्तों, आज से ही अकेले रहना छोड़कर फैमिली और दोस्तों के साथ चिल मारना शुरू कर दो। नंबर 3, असैसिन्स क्रीड नाम का एक अजीब गेम है जो एक बहुत ही रियल टाइप का गेम है, और इस गेम की जो चीज इसे सबसे खास बनाती है वो है इसका कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब ये कि अगर आप इस गेम में किसी भी नॉर्मल गेम की तरह जिन कैरेक्टर्स को आप मारते हो तो वो एक कंप्यूटर कैरेक्टर होता है, और यही चीज आपको सभी फाइटिंग गेम्स में देखने को मिलेगी। पर इस गेम में आप जिस भी कैरेक्टर को मारते हो वो एक रियल लाइफ का एक आदमी होता है जो पहले से किसी घटना में मर चुका होता है, और इस गेम में आपको हर कैरेक्टर की एड्रेस, डेट एंड लोकेशन भी पता चलती है कि वो असल जिंदगी में कहां और क्यों मारा गया था। नंबर 2, दोस्तों आप सभी को ये तो पता होगा कि शाहजहां ने ताजमहल अपनी वाइफ मुमताज की याद में बनवाया था, ताकि उनकी प्यार की गाथा को लोग आने वाले समय में सालों सालों तक याद रखें। और कुछ ऐसा ही यूपी में रहने वाले फैजुल हसन कादरी ने भी किया। उन्होंने यूपी के बुलंदशहर में एक मिनी ताजमहल बनवाया है। ये मिनी ताजमहल उन्होंने अपनी दिवंगत वाइफ की याद में बनवाया है। नंबर 1, अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो ये फैक्ट आपके बहुत काम आ सकता है। फैक्ट ये है कि अगर आप इंस्टाग्राम में सिर्फ 5 मिनट स्क्रॉल करते हो तो आपका 70 MB डेटा खत्म हो जाता है, और ऐसे ही आप इसमें मौजूद एक सेटिंग से इसकी ये पूरी लिस्ट को देख सकते हो, जिसमें आप जान पाओगे कि कितना स्क्रॉल करने पर आपका कितना मोबाइल डेटा यूज होता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।